1962 में भारत और चीन के युद्ध के दौरान एक और यादगार जंग लड़ी गई थी, जिसने भारतीय इतिहास में मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों की बहादुरी का किस्सा जोड़ दिया। ये थी रेजांग लॉ की जंग, जहां भारत के 120 बहादुरों ने अचानक हमला करने वाली चीनी सेना के 1300 सैनिकों को मार गिराया था। मेजर शैतान सिंह और 120 सैनिकों की उनकी टोली को दुश्मनों से लोहा लिए 60 साल गुजर गए, लेकिन इस कहानी को आज भी उसी जोश से साथ सुना जाता है। मेजर शैतान सिंह 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने 18 नवंबर 1962 को चीनी सेना की उस टुकड़ी का बहादुरी से सामना किया, जो संख्या और हथियारों की मात्रा के मामले में भारतीय सेना पर भारी पड़ रही थी। उस दौरान मेजर सिंह से ये भी कहा गया था कि वे चाहें तो चौकी से पीछे भी हट सकते हैं, लेकिन मेजर ने अपने साथियों में जोश फूंका और समझदारी से लड़ने के निर्देश भी दिए। नतीजा ये हुआ कि भारत ने उनके नेतृत्व में चीनी सेना का जमकर मुकाबला किया। मेजर सिंह के मरणोपरांत परमवीर चक्र से भी नवाजा गया। 18 नवंबर 1962 को सुबह के 4 बज रहे थे और चीनी सेना के करीब 2000 जवानों ने लगभग 114 और 120 सैनिकों की टुकड़ी पर हमला किया था। थन की मार और दुश्मनों की तरफ से हुई गोलियों की बौछार का सामना भारतीय सेना ने बड़ी बहादुरी से किया था।